मैं गार्नर बॉय आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज बात करने वाले हम चंपा के प्लांट पे। दोस्तों आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप अपने चंपा के प्लांट पे कई सारे ब्रांच ले सकते हैं। तो ये मेरा प्लांट था, इस पर सिर्फ एक ही ब्रांच थी, मैंने उसे कट कर दिया और अब इसकी देखिए जो इसके नोड एरिया है यहाँ से नई नई ब्रांचें निकलेंगी। तो ये जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी इस पर। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो में आपको पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा। दोस्तों ये मैंने बोगनविलिया की कटिंग लगा रखी है, देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है। तो आगे देख सकते हैं आप लोग, ये बोगनविलिया की कटिंग सक्सेसफुल हो गई तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए आगे की अपडेट दिखा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आज 20 दिन हो गए हैं लगभग, तो देखिए इस पे नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देखिए ये इसके पत्ते एकदम न्यू ग्रीन पत्ते आ गए हैं और अभी हमारी बोगनविलिया में कोई भी न्यू लीव्स या न्यू अपडेट कुछ नहीं आई है। और दोस्तों इसे मैंने 10 इंची की बाल्टी में लगा रखा है, इसमें मैंने तोरई के भी लगा रखे हैं कुछ बीज। देखिए ये तोरई का प्लांट है और इसमें रोज मॉस भी मैंने लगा रखी है और एक इधर लगा रखा है, तो इसकी भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आइए हम अपने चंपा के प्लांट पर बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए इस पर नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हैं इसकी। देखिए मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा इसको, देखिए प्लांट काफ़ी लंबा है। अगर ये बूसी प्लांट हो जाएगा मेरा तो बहुत अच्छा लगेगा जब इस पर फ्लावरिंग होगी। ये देखिए मैं आपको फोकस करता हूँ, कैमरा फोकस हो तो देखिए। तो दोस्तों आज हो गए हैं 30 दिन पूरे हो गए हैं हमारे कटिंग किए हुए। आज देखिए हमारा प्लांट कितना घना हो गया है और इसकी नई नई ब्रांचें आ गई हैं। दोस्तों यही आपको दिखा रहा था कि आप भी अपने चंपा के प्लांट को अगर बूसी करना चाहते हैं तो इस तरह बूसी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा मज़ेदार। तो दोस्तों अगर आप गार्डनिंग के बारे में अगर ऐसे ही नॉलेज चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे मेरी न्यू वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों देखिए आप ही के सामने पूरी अपडेट, मैंने पूरी वीडियो दिखा दी है आपको कि कैसे हमने शुरू में इसको कट किया है। इसको एक महीना लगभग लगा है, देखिए इसमें अभी एक नई ग्रोथ और आ रही है, देख सकते हैं। मैं फोकस कैमरा कर रहा हूँ, अब हो गया फोकस, देखिए न्यू ग्रोथ आ रही है। तो बस दोस्तों यही आपको दिखाना था। अगर आपको वीडियो में हमारी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।